आज हमारा टॉपिक क्रिस्टल ऑसिलेटर है। क्रिस्टल हमारे दो तरह के आते हैं। एक क्रिस्टल होता है क्लॉक क्रिस्टल, जो हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह वगैरह में यूज़ होता है। हालांकि इस क्रिस्टल का यूज़ हमारे इसी में नहीं है, तो इसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। जो हमारा क्रिस्टल यूज़ होता है वो ऑसिलेटर क्रिस्टल हमारे ईसीएम में यूज़ होता है। अब ऑसिलेटर क्रिस्टल क्या है, ऑसिलेटर का मतलब क्या है? तो ऑसिलेटर का मतलब होता है कि जो डीसी करंट है, जो डीसी वोल्टेज है, उसको एसी वोल्ट में तब्दील करना, कन्वर्ट करना, ये ऑसिलेटर कहलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसका यही वर्क हो गया। अब वो क्रिस्टल किस तरह से होता है, कहाँ लगा होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है, ठीक है, इसकी इनपुट क्या है, इसकी आउटपुट क्या है, तो इस टॉपिक पे थोड़ी हम आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, किस तरह मापा जाता है, गीगाहर्ट्ज़ में मापा जाता है, मेगाहर्ट्ज़ क्या है, किलोहर्ट्ज़ क्या है, ठीक है, तमाम सवालात हैं। आइए शुरू करते हैं। तो अगर हम इसमें देखें, ये हमारे पास फोर्ड फिस्टा फिगो का ये ईसीएम है। अगर इसमें देखा जाए तो ये सीपीयू लगा हुआ है हमारा, ठीक है जी। अब सीपीयू के नज़दीक ही हमारा ऑक्सीलेटर क्रिस्टल पाया जाता है। तो इसमें ये क्रिस्टल हो गया जी, ये ऑक्सीलेटर क्रिस्टल हो गया, और इसका कनेक्शन जो सीधे सीधे जा रहा है वो ईसीएम पे जा रहा है। इसकी दोनों पिनों का कनेक्शन ईसीएम पे जा रहा है, अगर ठीक है जी। तो ये क्रिस्टल हो गया जी, इस तरीके का, इस लोकेशन में ये क्रिस्टल है जी। ओके, ये रहा। अगर हम दूसरा बोर्ड लें, जैसे हमने होंडा का लिया, ये होंडे का लिया, तो इसमें देखें क्रिस्टल ही है। ये क्या रहा, सीपीयू रहा, सीपीयू के नज़दीक ये रहा क्रिस्टल, और इस पर इसकी वैल्यू लिखी रहती है 447, ठीक है। तो ये क्रिस्टल रहा इस, ठीक है, इसकी पिने रही, दो पिने आपस में मिली रहेंगी, दो पिने इधर से मिली हुई हैं, तो ये क्रिस्टल रहा, ऑसिलेटर क्रिस्टल रहा। और देखें हम, इसकी ये भी लोकेशन हो सकती है, जैसे आप ये आ जाए वरीज़ा वाले में आ जाए, तो इसकी लोकेशन ये भी हो सकती है। ये क्या रहा, क्रिस्टल रहा। अब हम देखें तो सीपीयू कहाँ है, ये हमारा, इसमें सीपीयू हमारा ये हो गया। अब इसके नज़दीक तो कहीं पर क्रिस्टल दिखाई दे नहीं रहा है, राइट। अब हमने इसको पलटा, इसको पलटने पर हमने देखा इसके बैक साइड में कि यहाँ पर एक क्रिस्टल है, ये रहा क्रिस्टल। तो 4.0 ये क्रिस्टल दे रहा है जो सीपीयू से कनेक्टेड है डायरेक्ट, ठीक है। ये भी इस तरह का भी हो सकता है क्रिस्टल हमारे ईसीएम के अंदर, क्योंकि इसके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, अलग अलग होते हैं, समझना ज़रूरी है थोड़ा सा। अगर ये बैगनार वाले मॉडल में देखा जाए तो इसमें ये सीपीयू हो गया, सीपीयू के बराबर में क्रिस्टल हो गया। और क्रिस्टल पर अक्सर ये एक्स के ज़रिए से इंडिकेशन होता है, सिंबल होता है कि एक्स के ज़रिए से इसे दिखाया जाता है कि जहाँ एक्स है बना हुआ, तो उसका मतलब है कि वो क्रिस्टल होगा, ठीक है। जैसे टी से ट्रांजिस्टर होता है, आर से रेजिस्टेंस होता है, तो इसी तरह इसको जो है वो एक्स शो किया जाता है, इंडिकेशन दिया जाता है, क्रिस्टल हो गया। इसके ऊपर देखें हम, तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है हमारा, क्रिस्टल के ऊपर लिखा है 4.00, जो इसकी वैल्यू बताता है। एक कॉल ले लेते हैं हम, अब ये ले लेते हैं XUV500। तो इसमें देखें हम, ये हमारा सीपीयू हो गया, और हमें नज़दीक में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इसको हमने पलटने की कोशिश करी, और जब पलटा तो देखा एक ये ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ब्लैक कलर में, ठीक है जी। तो ये क्रिस्टल हुआ इसमें, ठीक है। अब इस पर थोड़ी सी हम रोशनी बढ़ाते हैं, ये किस तरह से वर्क करता है और क्या है इसकी इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है। तो ईसीएम के अंदर एक सीपीयू लगा रहता है, हर सीपीयू लगा रहता है, और सीपीयू के अंदर सेक्शन बने होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं, ठीक है। सीपीयू के अंदर अलग अलग सेक्शन होते हैं, इसी में से एक सेक्शन होता है हमारा कैन का, कैन कम्युनिकेशन का। जैसे ये सीपीयू है, इसके अंदर एक सेक्शन बना है हमारा कैन कम्युनिकेशन का। तो यानी कि कम्युनिकेशन कैन लो कैन हाई,
कैन लो कैन हाई तब तक रिसीव नहीं होगी जब तक इसका क्रिस्टल सही वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अगर किसी गाड़ी में स्कैनर डिटेक्ट नहीं होता है, स्कैनर कम्युनिकेशन नहीं करता है, ठीक है, आप चाहे ऊपर जो कैन की आईसी जो ऊपर भी लगी होती है अलग से बैक साइड पे लगी है उसे चेंज कर लो तब भी काम नहीं करेगा, क्योंकि जो मेन सेक्शन है वो इसके अंदर है सीपीयू के अंदर, और उस सेक्शन को रिक्वायरमेंट रहती है क्रिस्टल ऑसिलेटर सिग्नल की।